उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही अनेक राजनीतिक दल भी तेजी से अपनी सक्रियता बढ़ाने लगे हैं। हल्द्वानी के एक निजी होटल में उत्तराखंड प्रगतिशील पार्टी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अपनी पार्टी की रणनीति से अवगत कराया। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के प्रदेश संयोजक गिरीश डालकोटी ने बताया कि उत्तराखंड प्रगतिशील पार्टी के प्रदेश के अंदर मजबूती के साथ क्षेत्रीय विकल्प के रूप में 2022 के विधानसभा चुनाव में जनता के बीच जा रही है, जिसको लेकर प्रत्येक विधानसभा में 10 संयोजक की नियुक्ति की गई है। यही संयोजक आगे चलकर पार्टी के प्रत्याशी तौर पर जनता के बीच में उम्मीदवार होंगे। प्रदेश संयोजक गिरीश डालकोटी का कहना है कि उत्तराखंड राज्य आंदोलन से बना है, लेकिन राज्य बनने के बाद आज भी प्रदेश में विकास के कार्य अधूरे हैं, जिसका सिर्फ उत्तराखंड प्रगतिशील पार्टी ही पूरा कर सकती है। उत्तराखंड के अंदर तेजी के साथ पलायन भी हुआ है। गढ़वाल का सारा पलायन देहरादून की तरफ तो कुमायूं का सारा पलायन हल्द्वानी की तरफ हो गया है। प्रदेश में किसी भी पार्टी के सरकार ने उम्मीदों के अनुरूप काम नहीं किया, इसलिए अब जनता के पास उत्तराखंड प्रगतिशील पार्टी की एकमात्र विकल्प है। यह है कि जो भी अपना पार्टी रहेगी, विधानसभा संयोजक जो हम अपॉइंट कर रहे हैं, हर विधानसभा में कम से कम 10 संयोजक नियुक्त किए जाएंगे। यही संयोजक आगे चलकर पार्टी की जो चुनाव के अपने उम्मीदवार होंगे, जो विधायक के भी उम्मीदवार होंगे अगले आगामी 2023 में, जो नगर पालिका नगर परिषद के चुनाव होंगे, प्लस उसके बाद क्षेत्र पंचायत के जो चुनाव होंगे, उनमें यही संयोजक मुख्य रूप से पार्टी के उम्मीदवार होंगे। किन मुद्दों को लेकर लड़ रहे चुनाव, क्या मुद्दे हैं आपके? बेसिक जो हमारा मुद्दा है, जो उत्तराखंड आंदोलन बना था, हमारा उत्तराखंड राज्य एक आंदोलनकारियों ने बनाया था। उत्तराखंड की एक कल्पना थी कि एक अच्छा राज्य, अगर हमें एक अलग राज्य मिलेगा तो हम एक राज्य, मतलब एक आप कह लीजिए विकास होगा हमारा। लेकिन अगर हम विगत 20 वर्ष, आप पिछले 20 वर्षों में चले जाएं, तो दोनों दलों की सरकार, चाहे वो भाजपा की रही हो कांग्रेस की रही हो, उन्होंने ऐसा कोई विकास नहीं किया। क्षेत्र का जितना पहाड़ी क्षेत्र से पलायन हुआ है, मैक्सिमम पलायन उठ के आप आज जाके देहरादून में बैठ गए, जाके अगर हम यहाँ करें तो कुमाऊं क्षेत्र का सारा हल्द्वानी रुद्रपुर में आके बस गया है। पहाड़ों की तरफ किसी का भी विजन नहीं है, ना ही सरकार की ऐसी कोई योजना दिखती है कि वो जनता के समर्थन की ऐसी कोई योजना है।